नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अदिति। किसान आंदोलन में अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को रोक लगा दी है। अग्रिम आदेश जारी होने तक ये कानून लागू नहीं होंगे और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई सुनवाई में ये भी साफ कर दिया कि कोई भी ताकत सुप्रीम कोर्ट को इस कमेटी को गठन करने से रोक नहीं सकती और तीनों कृषि कानूनों को निलंबित करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला कर दिया है। क्या रहा सुनवाई में, नजर डालते हैं। न्यायालय ने किसान संगठनों से सहयोग मांगते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर जो लोग सही में समाधान चाहते हैं वे ही समिति के पास जाएंगे। कोर्ट ने किसान संगठनों से कहा, यह राजनीति नहीं है, राजनीति और न्यायतंत्र में फर्क है और सहयोग सभी को करना होगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की थी और यहां तक संकेत दे दिया था कि अगर सरकार इन कानूनों का अमल स्थगित नहीं करती है तो वे उन पर रोक लगा सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि कोई ताकत उन्हें नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन करने से रोक नहीं सकती और समस्या का समाधान करने के लिए कानून को निलंबित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अब अगले आदेश तक कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही किसानों से बातचीत करने के लिए 4 सदस्यीय एक समिति गठित हुई है। सुनवाई के दौरान कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले एडवोकेट एमएल शर्मा ने अदालत को बताया कि किसानों का कहना है कि वे अदालत द्वारा गठित किसी भी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनिवार्य है, जो समिति बनाई जाएगी उसमें शामिल होना होगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने कहा कि हम कानूनों की वैधता और विरोध प्रदर्शनों से प्रभावित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के बारे में चिंतित हैं। हम अपने अधिकारों के अनुसार समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अधिकार में से एक है कि हम कानून को निलंबित करें और एक समिति का गठन करें। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे का कहना है कि कानूनों के क्रियान्वयन को राजनीतिक जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे विधानों पर व्यक्त चिंताओं की एक गंभीर परीक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं प्रधान न्यायाधीश ने इस पर कृषि कानूनों पर सुनवाई के दौरान कहा कि रामलीला मैदान या अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान दिल्ली पुलिस आयुक्त की अनुमति के लिए आवेदन कर सकती है। न्यायाधीश ने अपील की है कि किसान सड़क का रास्ता छोड़कर किसी धरना स्थल पर अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं।